स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोनेट 16 की समरी, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। दिस सोनेट अटेम्प्ट्स टू डिफाइन लव। ये जो सोनेट है, ये लव को डिफाइन करने के लिए लिखी गई है। बाय टेलिंग बोथ व्हाट इज इट एंड इज नॉट, दोनों चीजें बताकर ये क्या है और क्या नहीं। इन द फर्स्ट क्वार्टरेन, अगर हम फर्स्ट क्वार्टरेन में देखें तो क्या है, द स्पीकर यानी कि विलियम शेक्सपियर सेज दैट लव, कहते हैं कि जो प्यार है वो क्या है, द मैरिज ऑफ ट्रूथ माइंड्स, वो क्या है, सच्चे दिमागों की शादी, उसको वो बोल रहे हैं कि वो लव है, इज परफेक्ट एंड अनचेंज्ड, और वो परफेक्ट है। ठीक है, अगर ट्रू माइंड्स मिल जाएं तो उसको वो कह रहे हैं कि वो परफेक्ट है और वो अनचेंज्ड है। ठीक है, मैरिज को मीन मिलने को वो कह रहे हैं, मतलब जॉइंट टुगेदर। ठीक है, वो जब दोनों मिलते हैं, ठीक है, कौन, ट्रू माइंड्स। ठीक है, अगर वो दोनों मिले तो वो क्या है, ये परफेक्ट है और ये अनचेंज, कोई उसको बदल नहीं सकता, अनचेंजिंग। इट डज नॉट एडमिट्स impediments and it does not change when it find changes in the loved ones. और ये मतलब एक दफा अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो उसको change नहीं किया जा सकता, वो क्या हो जाता है, वो unchanging हो जाता है। ठीक है, दूसरा कि इस पर हम कोई पाबंदियां कुछ नहीं लगा सकते, और तीसरा क्या कि अगर हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि if I love you so you must need to love me, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इट डज नॉट चेंज, और ये तब बदलता भी नहीं है जब एक जो लवर है वो चेंज हो जाए। ठीक है, उसका लव अगर चेंज हो जाए तो मतलब दूसरे लवर का लव चेंज नहीं होता। ठीक है, इन द सेकेंड क्वार्टरन, ये बात हो गई फर्स्ट क्वार्टरन की। अगर हम सेकेंड क्वार्टरन की बात करें तो उसमें क्या है, द स्पीकर टेल्स, जो स्पीकर यानी कि विलियम शेक्सपियर बताते हैं, व्हाट लव इज थ्रू अ मेटाफर, मेटाफर के थ्रू मतलब उसका सहारा लेकर वो लव को डिफाइन करते हैं, अ गाइडिंग स्टार टू लॉस्ट शिप्स, एक वो सितारा, एक मतलब जो जो कश्तियां भटक जाती हैं समुद्रों में, उनको कहीं रास्ता नहीं नजर आ रहा होता, तो वो स्टार जो उनको रास्ता दिखाता है, वो गाइडिंग स्टार, उसको वो क्या कह रहे हैं, वो क्या है, वो लव है। ठीक है, उसको मेटाफर से कंपेयर कर रहे हैं, इसको वंडरिंग बार्क्स, सॉरी वंडरिंग बार्क्स से उसने मतलब स्टोरी में क्या किया है, मतलब रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, दैट इज नॉट ससेप्टिबल टू स्टॉर्म्स, इट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, और इस पे मतलब इस पे किसी स्टॉर्म, किसी आंधी तूफान, किसी चीज का असर नहीं होता, ये अपनी जगह पर ही रहता है। ठीक है, ये किसमें बात हो गई, इतनी सी बात सेकेंड क्वार्टरन में। ठीक है, थर्ड में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, द शेक्सपियर अगेन डिस्क्राइब्स व्हाट लव इज नॉट। ठीक है, अगेन वो डिस्क्राइब करता है व्हाट लव इज नॉट, क्या प्यार नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट ससेप्टिबल टू माइंड टू टाइम। ठीक है, ये टाइम का पाबंद नहीं है। ठीक है, दो ब्यूटी फेड्स इन टाइम, क्योंकि जो ब्यूटी होती है वो वक्त के साथ ढल जाती है, एज रोजी लिप्स एंड चीक्स कम विद इन, और मतलब जो रोजी लिप्स होते हैं और चीक्स हैं वो भी टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाती हैं, हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास, और यहाँ पर मतलब इस लाइन को टाइम रोजी लिप्स और इन सबको उसने हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास के साथ उसने मतलब रिप्रेजेंट किया है, कंपास यहाँ पर टाइम है। ठीक है, लव डज नॉट चेंज विद आवर्स, जो प्यार है वो घंटों के साथ नहीं बदलता, ना ही वीक्स में बदलता है, इंस्टेड लेकिन इट बेयर्स इट आउट इवन टू एज ऑफ डॉम, और ये बर्दाश्त करता है हर चीज को और ये एंड तक साथ चलता है। ठीक है, इन द कपलेट, जो लास्ट कपलेट है उसमें क्या है, द स्पीकर स्पीकर यानी कि विलियम शेक्सपियर अटेस्ट टू हिज सर्टेनिटी दैट लव इज एज ही सेज, और इस बात पर ये फोर्स कर रहे हैं कि जो जो इसने अब कहा है ना वो बिल्कुल करेक्ट है,
और लव यही है जो कि विलियम शेक्सपियर ने कह दिया, इफ हिज स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय टू बी एरर, इफ हिज स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड टू बी एरर, अगर उसमें कोई गलती या ऐसा मतलब प्रूव हो जाए कि ये गलत है, ही डिक्लेयर्स, उसने ये बात डिक्लेयर किया, ही मस्ट नेवर हैव रिटन अ वर्ड एंड नो मैन कैन इवन हैव बीन इन लव. और फिर उसके बाद उसने कहा वो कभी कोई भी मतलब रिटन अ वर्ड, ये कोई वर्ड तक नहीं लिखेगा, और नो मैन कैन कैन एवर हैव बीन इन लव, और कोई आदमी फिर प्यार नहीं करेगा. सो होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच. आप लोगों को समझ आई होगी, सॉरी पसंद बोला. चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो बेटा. कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करो. बहुत आसान चीज की समरी है, ठीक है. पहले में एक बात कर रहे, सेकंड में हर एक में अलग अलग बातें हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.